सत्य पे सत्ता रीमेक में ऋतिक रोशन और अनुष्का शर्मा के साथ हुई कार्तिक आर्यन की हीरोइन की एंट्री, जानिए नाम। व्हाट, दो हफ्ते में शादी करने जा रहे हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, इस खूबसूरत जगह पर लेंगे साथ फेरे। वायरल शादी के कार्ड के बीच साथ दिखे आलिया रणबीर, लंदन से फैन ने शेयर की ये फोटो। सलमान के बिग बॉस 13 में हसीनाओं के साथ सिद्धार्थ शुक्ला की जोर जबरदस्ती से बौखलाए फैंस, सुनाई खरी खोटी। हाउसफुल 4 की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे कई सितारे, पापा अक्षय कुमार की फिल्म देखने पहुंचे आरव। वेल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, मैं सोनम आपके साथ आज फिर लेकर आई हूं बी टाउन की कुछ और गॉसिप्स। तो किस बात का इंतजार करते हैं, शुरुआत फरहा खान और रोहित शेट्टी की फिल्म सत्य पे सत्ता के रीमेक में ऋतिक रोशन की एंट्री तो हो चुकी है। खबर यही नहीं है बल्कि इस फिल्म में ऋतिक के अपोजिट अनुष्का शर्मा को भी कास्ट कर लिया गया है। हालांकि अभी तक इस फिल्म की स्टार कास्ट की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन फरहा खान ये साफ कर चुकी हैं कि वो इस बारे में दिवाली के मौके पर बड़ा ऐलान करने वाली हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें दिवाली के मौके पर फराह खान और रोहित शेट्टी की इस फिल्म के अनाउंसमेंट पर टिक गई है। आलिया और रणबीर बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने, आलिया और रणबीर जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आलिया और रणबीर नवंबर में शादी करने जा रहे हैं और इन दोनों की शादी में अब केवल 2 ही हफ्ते बचे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आलिया और रणबीर ने अपनी शादी के लिए फ्रांस को चुना है। वेल, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पिछले कुछ समय से अपनी शादी को लेकर लगातार चर्चाओं में तो चल ही रहे हैं। हाल ही में इन दोनों की शादी का फेक कार्ड भी सामने आ चुका है जो कि काफी वायरल भी हुआ है। सोशल मीडिया के यूजर इस बात से खुश हो गए हैं कि आलिया और रणबीर शादी करने वाले हैं। इसके बाद जब आलिया को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया तो उनसे उस समय ये सवाल भी किया गया था कि क्या वो सच में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। इस सवाल का जवाब उन्होंने हंसते और मुस्कुराते हुए दिया था। उन्होंने कहा था, मैं इस पर क्या कहूं। वेल, अब वो क्या ही कह सकती हैं, खबरें तो ये हैं कि वो 2 हफ्तों के अंदर शादी करने वाली हैं। वेल, बिग बॉस 13 के बीते एपिसोड में जबरदस्त घमासान देखने को मिला। घर में चल रहे टास्क के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला ने घर की लड़कियों के साथ बदसलूकी की और अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ की जमकर किरकिरी हो रही है। इतना ही नहीं, लड़ते लड़ते सिद्धार्थ शुक्ला तो रश्मि देसाई का हाथ तक पकड़ लिया था। सिद्धार्थ शुक्ला के इस तेवर को देखकर बिग बॉस 13 के फैंस काफी निराश हैं। उनको सिद्धार्थ शुक्ला से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वेल, हाउसफुल 4 रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा जैसे स्टार्स हैं। बीती रात यानी कि बुधवार को हाउसफुल 4 की मुंबई में एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई। इस दौरान फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ बॉलीवुड के और भी सेलिब्रिटीज इस फिल्म को देखने पहुंचे। इसमें अक्षय कुमार के बेटे आरव भी शामिल थे। आरव पापा संग ही इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे। वेल फ्रेंड्स, आज के इस ई बस में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ और बी टाउन की गॉसिप्स के साथ, लेकिन तब तक के लिए आपको हमारी ड्रिल पता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने अच्छे वाले वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी मत भूलिएगा।